हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड यू आर वाचिंग न्यू इंडियन एरा। ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कभी भी डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, इस लाइन को याद रखते हुए ही इस वीडियो को देखना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि बहुत से बच्चों को ये इश्यू होता है, या फिर मैं आप सबको बता दूं कि अभी जो तुम्हारी एज बहुत छोटी होती है और तुमको जैसा कोई भी सजेशन दे देता है वैसा ही तुम मान लेते हो और उसी को तुम फॉलो करते हो, और बाद में पता चलता है बारहवीं के बाद, बारहवीं जब होती है तब, कि यार हमने दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दी और हमने कुछ किया ही नहीं। तो दिस इज द रीजन गाइस कि अब समय आ चुका है कि तुम चूज करो तुम्हें क्या बनना है और उसी अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को चूज करो। बहुत से बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं और बाद में पछताते हैं। जो सजेशन आज देने वाला हूं वो सजेशन कोई देगा नहीं। मेरे से जो बच्चे ऑनलाइन और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में पढ़ते हैं उनको तो मैंने सब बता रखा है, बट YouTube के बच्चों का क्या? तो उनके लिए मैं यहां पे आज इसीलिए वीडियो बना रहा हूं, बहुत ही प्रीसियस वीडियो है। तो गाइस चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो के शुरू से कि आखिर होता क्या है चीजें, बहुत सारी चीजें। देखो, जब अगर CET की प्रिपरेशन कर ही रहे हो तो आप सबको एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी दे दूं कि नून अकेडमी के अंदर तुम लोग अभी से ना फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी CET की प्रिपरेशन डन कर सकते हो। नून अकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ अपनी स्टडी कर सकते हो। चाहे आप 10th में रहो, 11th में रहो, 12th में रहो, JEE, NEET, किसी भी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करो, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पे मिलता है। तो ऑफलाइन क्लासेस में इतने अमाउंट भरते हो और फिर भी तुम्हारा डाउट क्लियर नहीं होता, ऑनलाइन तरीके से बहुत सी प्रॉब्लम होती है, नेटवर्क इश्यू, नोट्स नहीं मिलते, कुछ नहीं मिलता। यहां पे फ्री में सब कुछ आपको नून अकेडमी के अंदर फ्री में सारे नोट्स, महाराष्ट्र बोर्ड के लिए 9th से लेकर के 12th तक सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहां पे मिल रहा है। तो इसका फायदा उठाओ। आप लोग को मैं ये बता दूं कि यहाँ पे डेली फ्री लाइव क्लासेस होती हैं माय डियर। और तो यार आपको बता दूं कि यहाँ पे फ्री नोट्स, एमसीक्यू प्रिपरेटरी सेशन, देन एमएसटी, सीटी, नीट जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की फ्री प्रिपरेशन, अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग सेशन विद क्वालिटी लेक्चर्स, इंटरेक्टिव क्लासेस, एक बार ज्वाइन करके देखो, आपको बिलीव भी नहीं होगा कि यार सच में इतना अच्छा फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ यहाँ पे नून अकेडमी में मिल रहा है। हम क्वालिटी यहाँ पे गाइज आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो मैं भी यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ 10th की CET का कंप्लीट प्रिपरेशन साइंस की मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। आप सब यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे ज्वाइन कर सकते हो नून अकेडमी में। ज्वाइन करने के लिए माय डियर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पहले एप्लीकेशन जो ऐप है वो प्ले स्टोर में जाके लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। आफ्टर डाउनलोडिंग दी एप्लीकेशन आप सबको साइन इन एंड रजिस्टर कर लेना है और उसके बाद मेरे ग्रुप में ज्वाइन करना है। मेरा वहां पे ग्रुप मिलेगा प्रशांत सर, ऐसा करके आएगा आपको ग्रुप प्रशांत तिवारी, देन उस ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है और वहां पे फिर मैं 1 बजे रोज लेक्चर लेता हूं 1 PM को, और वहीं पे आप लोग को जाके ज्वाइन करके अच्छे से मेरे साथ पढ़ाई करनी है। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ बढ़ो। पहले मैं आपको बता दूं कि अभी आपकी 10th हो चुकी है, अभी CET का एग्जाम आप दोगे उसके बाद आपकी 10th हो जाएगी, आप सभी 11th में जाओगे। 11th में जो बच्चा साइंस लेता है वो बच्चे के पास बहुत से सब्जेक्ट होते हैं, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, PCMB। और ये सब्जेक्ट क्यों लिए जाते हैं मैं आप सबको बता दूं। ठीक है, ये सब्जेक्ट इसलिए ले जाते हैं कि बहुत से बच्चों को या तो इंजीनियर बनना होता है और या तो बच्चों को MBBS या किसी भी फील्ड में जाके डॉक्टर बनना होता है, किसी भी फील्ड में डॉक्टर बनना होता है, मोस्टली इसीलिए सारे बच्चे जाते हैं। बाकी आप सब कुछ और भी सब कुछ बन सकते हो, साइंस एक ऐसा स्ट्रीम है जिसमें से आप सब कुछ बन सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग जो चाहो। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान देना है। अभी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो है, अब इनमें से ऑप्शन भी होता है कि बहुत से बच्चे इन 4 सब्जेक्ट में, देखो इंग्लिश हिंदी तो कंपलसरी है, इंग्लिश और हिंदी ये कंपलसरी होता है, ये आप चेंज नहीं कर सकते। हिंदी की जगह में आप मे बी मराठी ले लोगे, बट इंग्लिश कंपलसरी होता है और ये 4 सब्जेक्ट। अब मैं आप सबको बता दूं कि बहुत से बच्चों के सामने ऑप्शन में भी होता है कि PCMB में से आप चाहो तो चारों नहीं लो, आप सिर्फ PCMB ले सकते हो, आप सिर्फ PCB यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और आप चाहो तो चारों भी ले सकते हो PCMB। अब प्रॉब्लम कहां आती है मैं आप सबको यह बताता हूं। भारत देश के अंदर, इंडिया में बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फिर उसके बाद फेसबुक, बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां आउट ऑफ इंडिया एंड इंडिया के अंदर हैं। बहुत से ऐसे और भी प्राइवेट जॉब्स हैं जहां पर टेक्निकल चीजों को मांगा जाता है इन फ्यूचर। बहुत सी ऐसी गवर्नमेंट जॉब लाइक रेलवे, डिफेंस, आप NDA कर्नल ऑफिसर बनो, IAS ऑफिसर बनो, IPS ऑफिसर बनो, कुछ भी बनना है बन के देखो, हर जगह मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट होती है। कहीं भी टेक्निकल डिपार्टमेंट में आप जाओ, एयरफोर्स में जाना हो, नेवी में जाना हो, डिफेंस में जाना हो, रेलवे में भर्ती चाहिए, किसी और मिनिस्ट्री में चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, पुलिस की भर्ती हो, कहीं पर भी जाओ,
ईच एंड एवरीवेयर मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट है, जहां जाओगे वहीं मैथ्स चाहिए। बिना मैथ्स के आप किसी गवर्नमेंट जॉब, किसी प्राइवेट की टेक्निकल जॉब में नहीं आ सकते। और दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है, दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है, और टेक्नोलॉजी विदाउट मैथमेटिक्स इम्पॉसिबल है। और इंडिया के अंदर 70-80% जॉब टेक्निकल फील्ड में है, जहां पे मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट है। और बहुत से बच्चे एक गलती करते हैं, वो पीसीबी ले लेते हैं, और बाद में उन बच्चों को, देखो पीसीबी क्यों लेते हैं पहले ये समझ लो, पीसीबी इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें डॉक्टर बनना होता है। उनका ये सपना होता है कि हमें सिर्फ डॉक्टर बनना है, इसके अलावा हम कुछ नहीं बनेंगे। ठीक है, बनो, अच्छी बात है, पीसीबी ले लो ना, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आप सबको यहां बता देता हूं, जरा यहां देखो अच्छे से, पीसीबी ले लो ना, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप पीसीबी लो, आप ले लो पीसीबी, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब आप फिजिक्स पढ़ने जाओगे, जब आप फिजिक्स पढ़ने जाओगे तब आपका क्या होगा, तब तेरा क्या होगा कालिया, ठीक है, जब फिजिक्स पढ़ने जाओगे तब आपको यहां पे मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट होगी, और यहां पे आपको करीबन 40% आपका मैथ्स आना ही चाहिए। बिना मैथमेटिक्स के दुनिया में कोई बंदा नहीं है जो फिजिक्स को समझ सके या समझा सके। जाओ दुनिया किसी भी प्रोफेसर से पूछ लो, बिना मैथ्स के फिजिक्स समझ के दिखा देना, चैलेंज करता हूं, जाओ, बिना मैथ्स के फिजिक्स नहीं समझ पाओगे, नेवर, नेवर मींस नेवर, नेवर कह दिया ना, बस हो गया। तो 40% फिजिक्स चाहिए, मतलब मैथमेटिक्स चाहिए फिजिक्स को समझने के लिए। अब बच्चों ने पीसीबी ले लिया है, मैथ्स को लिया ही नहीं है, तो बच्चे क्या करते हैं कि अब उन्हें जानबूझ के मैथ्स पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स समझनी है तो मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। तो वो बच्चे फुकट में मैथ्स पढ़ते हैं, और बाद में जब इनका पीसीबी हो गया, जो बच्चे डॉक्टर बन गए तो बन गए, इक्का दुक्का एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ होते बन जाते हैं, बट उनका क्या, जो नहीं बन पाए, जो डॉक्टर नहीं बन पाए, उनका क्या, तो वो बच्चे फिर बेचारे पछताते हैं, क्योंकि हर जगह जॉब मैथ्स वालों को मिलती है ज्यादातर। अधिक अधिक बायोलॉजी लेके आप कहां कहां जा सकते हो, अधिक अधिक आप बायोलॉजी लेके फार्मासिस्ट बन सकते हो, एमबीबीएस डॉक्टर बन सकते हो, बीडीएस डॉक्टर बन सकते हो, या कहीं और भी पार्ट में चले जाओगे, बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो, बट उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा जॉब तो मैथमेटिक्स में है। तो ये बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है। अरे बहुत से बच्चों को कमेंट आए कि हम पीसीबी लेके और कहीं जा सकते हैं कि नहीं। देखो, जाने को आप हर जगह एडमिशन ले सकते हो, आप कुछ भी बन सकते हो पीसीबी से भी, आप टेक्निकल में भी जा सकते हो, लेकिन वहां पे मैथ्स आपको फिर सीखनी पड़ेगी, आपको मैथ्स आएगी ही नहीं, तो बाद में सीखना पड़ेगा, फिर प्रॉब्लम, तो फिर जॉब का इश्यू होता है बाबा। तो पीसीबी लेने वाले बच्चों को प्रॉब्लम है। अब आते हैं पीसीएम में। पीसीएम कौन लेता है, जो इंजीनियर जिनको बनना होता है, आईआईटी में जाना होता है ना, सीईटी का पेपर देके इंजीनियर बनना होता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं, तो जो पीसीएम जो लेते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बायोलॉजी में वैसे ही सिर्फ 20% जॉब है, जिसको डॉक्टर बनना है सिर्फ वही बायोलॉजी पढ़ता है, बाकी बायोलॉजी का इतना कुछ स्कोप है नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं कि स्कोप नहीं है, ठीक है, लेकिन ज्यादा जॉब एज कंपेयर टू बायोलॉजी मैथमेटिक्स के फील्ड में है, ये मैं कह रहा हूं। ठीक है, जॉब स्कोप तो भाई हर जगह है सबका। ठीक है, तो मैथमेटिक्स की अगर बात की जाए, तो मैथमेटिक्स तो यहां पे अवेलेबल है, यहां पे मैथ जो बंदा पढ़ता है वो फिजिक्स भी उस बंदे को आती है, उस बंदे को केमिस्ट्री भी अच्छे से समझती है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं, सब कुछ आपको समझेगा, इस बात को ध्यान में रखो अच्छे से। तो जो बच्चा पीसीएम लेता है वो इंजीनियर ही बनेगा, ये तो फिक्स है, वो कभी डॉक्टर के फील्ड में जा नहीं पाएगा, लेकिन डॉक्टर के फील्ड में स्कोप भी तो कम है, डॉक्टर की सीट भी लिमिटेड है भारत देश के अंदर, नीट एग्जाम देने के बाद आपके पास लिमिटेड सीट है, यहाँ भरी पड़ी, आप हर जगह टेक्निकल फील्ड में जा सकते हो, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है सभी बच्चों के सामने। ठीक है, तो पीसीएम वालों को फायदा है, पीसीएम वाले सिर्फ पीसीएम, जिसको इंजीनियर बनना है वो सिर्फ पीसीएम लो, बायोलॉजी मत लेना। अब बात करते हैं जिनको डॉक्टर बनना है, तो वो पीसीबी मत लो भाई, पीसीएमबी ले लो, फायदे में इसलिए रहोगे कि इन फ्यूचर अगर बायोलॉजी में जॉब नहीं मिली तो मैथमेटिक्स आपके साथ रहेगा, तो आप इंजीनियर भी बन सकते हो और आप डॉक्टर भी बन सकते हो, क्योंकि आपके पास मैथ्स भी है बायोलॉजी भी है। समझ रहे हैं, आप मान लो 12वीं तक पढ़ ली, 12वीं के बाद डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना कुछ ऑप्शन आया, ज्यादा मार्क्स बायोलॉजी में, मैथ्स में, आप दोनों बन सकते हो, आपके पास इतना नॉलेज है, आप इससे भी ग्रेट हो, इससे भी ग्रेट हो, आप पीसीएमबी वाले, आप सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। हाँ, मानता हूं कि हार्ड वर्क करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको मैथ्स और बायो दोनों रहेगा, आपको हार्ड वर्क करनी पड़ेगी, लेकिन आप कहीं भी कदम रखो आप बेस्ट रहोगे, आप अगर आप मेहनत कर लोगे ना तो आपसे बेस्ट कोई होने सकता, आपको बायो भी आएगा, आपको मैथ्स भी आएगा। और जिन बच्चों को पीसीबी लेना था, जिन बच्चों को डॉक्टर बनना था, उनको फिजिक्स के लिए मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, यहाँ पे आपको मैथ्स अवेलेबल है। और मान लो तुमने ठान लिया कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, आप कर भी लोगे, तो ले लो ना पीसीएम भी ले लो, आप मैथमेटिक्स उतना ही पढ़ना जितना बोर्ड में पास हो जाओ, और फिजिक्स के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है, तो मैथमेटिक्स भी आपके सब्जेक्ट में तो रहेगा ना,
इन फ्यूचर टेक्निकल डिपार्टमेंट में जाके आप किसी भी गवर्नमेंट वगैरह जॉब तो उठा सकते हो ना, समझ रहे हैं? मैथ्स उतना ही पढ़ना जितना फिजिक्स को आना रहेगा, और 40% मैथ्स आता ही है, उतना पढ़ लोगे तो आपका बोर्ड एग्जाम भी मैथ्स का निकल ही जाएगा, 12th का परसेंटेज इतना कुछ है नहीं, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बस ये दिमाग बता रहा हूँ, ये आपको कोई नहीं समझाएगा, पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र में किसी भी टीचर से पूछो कोई नहीं बताएगा, तुमसे सिर्फ इतना पूछेंगे डॉक्टर बनना है पीसीबी ले ले, इंजीनियर बनना है पीसीएम ले ले, कुछ नहीं बनना है पीसीएमबी ले ले। तो कुछ भी ऐसा कहते हैं, दिस इज द रियलिटी में जो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये समझ के रखो, मैं पहले कह देता हूँ इससे इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। तो सभी बच्चों को एक सजेशन है कि भाई पीसीएमबी ही लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो थी आप लोग के लिए जो ये बताना था मुझे। जो बच्चा पीसीएमबी लेगा वो डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्या पता पहले मैथ्स अच्छा ना लगे और बारहवीं में जाके बायोलॉजी मैथ दोनों अच्छा लगने लगे, या बायोलॉजी अच्छी लगने लगे तो नीट में घुस जाओगे, और पहले सिर्फ पीसीएम ले लिया और फिजिक्स, देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो कंपलसरी, इसको नहीं हटा सकते बाबा, इसको हटा नहीं सकते, मैथ्स और बायो का ही चांस है सिर्फ हटाने का। तो पहले मान लो मैथ्स अच्छा नहीं लगा, फिर बायो अच्छा लगने लगा, तो फिर बायो अच्छा नहीं लगा मैथ, तो किसी भी तो अच्छा कर पाओगे ना, ऑप्शन रहेगा ना तुम्हारे पास, समझ रहे हो? और अगर तुम यहाँ पे पीसीबी ले लो तो तुमने ऑप्शन ही गायब कर दिया अपने जिंदगी से, तुमने अपने आप को लिमिट कर लिया, तो ये अच्छी बात नहीं होती, अभी से फ्यूचर तुम्हारा डिसाइड कर लो। इसीलिए पहले रिजल्ट के तुरंत बाद वीडियो बना दिया हूं। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैरियर के लिए, सोच लो पहले कह देता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैरियर के लिए ये वीडियो, समझ लो इस बात को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी बात मान लो। तो गाइस कैसी लगी ये वीडियो, मिलेंगे ऐसे ही किसी और अच्छी सी प्यारी सी वीडियो में, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, चैनल को हमारे हर जगह इसे शेयर कर दो अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, क्योंकि तुम्हारे सारे फ्रेंड्स के साथ भी गलती ना हो, इसलिए कह रहा हूँ कि इसको सबको शेयर कर दो, सबको बता दो, जिससे कि बहुत ज़्यादा सबका फायदा होगा। तो शेयर करो इस वीडियो को सभी अपने फ्रेंड्स में, मिलेंगे ऐसे अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।